दौड़ गया अपनी एक छोटी सी वीडियो के साथ, जिसमें कि मैंने बताया Redmi Note 9 Pro कब लॉन्च होने वाला है। तो यार मेरी पूरी से पूरी वीडियो देखना, जिसमें कि आपको डेट पता चल जाए कि Note 9 Pro कब लॉन्च होने वाला है। जो Redmi Note 9 Pro के बारे में बता रहा हूँ या Note 9 के बारे में बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसके बारे में कोई स्पेक्स नहीं दूंगा, कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ लॉन्च डेट के बारे में बताऊंगा कि लॉन्च कब होगा। तो एक पिक्चर थी जो लीक हो चुकी है MI की तरफ से, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में 9 लिखा हुआ है, बड़ा सा एक 9 लिखा हुआ है, 9 के बीच में 4 क्वाड कैमरा है, क्वाड कैमरा, और नीचे लिखा है प्रो कैमरा इंप्रूवमेंट। मतलब इसका मतलब होता है कि जो कैमरा रेडमी ने है, MI ने, डेवलपर्स ने इसके जो मोबाइल है, मोबाइल के कैमरे में, नोट 9 प्रो के कैमरे में बहुत सी इंप्रूवमेंट की है, जिससे कि इसका कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो यार आप इसमें डेट भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 12 तारीख को लॉन्च हो गए। लॉन्च होने में, इस मोबाइल को लॉन्च होने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 12 तारीख, तीसरा महीना और 2020, इसका मतलब होता है इसी 12 तारीख को मार्च में 2020 मतलब मार्च में 12 तारीख को लॉन्च हो जाएगा मोबाइल। तो यार आपको इससे कुछ ट्रेलर भी आ सकते हैं, अभी जल्दी कुछ दिनों में इस मोबाइल के ट्रेलर आ सकते हैं, तो आप उस ट्रेलर को देखकर पता कर सकते हैं इस मोबाइल के बारे में। दोस्तों मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, 12 तारीख तीसरा महीना 2020, यानी 12 तारीख मार्च और 2020 को ये मोबाइल लॉन्च हो जाएगा। ये डेट MI ने दी है, मैं खुद कोई एक्सपेक्टेबल डेट नहीं है ये, इसलिए MI की तरफ से डेट है, तो मतलब पक्का है कि 12 तारीख को लॉन्च हो जाएगा मोबाइल। Oh, 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 oh